पांडवों की जो 12 साल वनवास पूरे होने के बाद एक साल बाबा अज्ञातवास में जाएगा, तो उस समय यज्ञ का संभाग किसके हाथ होगा? परीक्षा होगी, परीक्षा होगी कौन संभाल करते हैं, कौन भाग जाते हैं। पता कैसे चलेगा कौन जिम्मेवार है कौन गैर जिम्मेवार? परीक्षा नहीं होनी चाहिए। गीता पाठशाला खोले बैठे हैं, अरे बाबा तो आते ही नहीं। अब तो जैसे ब्रह्मा बाबा चले गए वैसे ये भी बाबा, बाबा ये तो हमको नहीं, ये भी आया आराम गया आराम, गीता पाठशाला बंद करके बैठ गए। इंतजार करेंगे ना बाबा साल भर के बाद वापस आएगा। साल भर के बाद और ना आया तो आएगा पक्का, निश्चय आएगा। तो और ना आया तो आएगा, ये तो निश्चय है ना बाबा। ये क्या बात हुई, दूसरे रूप में आ गया तो उन्हें पहचाना, तो वो तो बहुरूपी है, वो तो साल भर भी बहुरूपी में ही रहेगा। और ये तो निश्चय है ना बाबा के, बाबा बाबा ने सारा बता दिया, तेरहवा साल पूरा होता है, चौदहवा साल पूरा होता है तो युद्ध क्या होता है, चौदहवीं साल में क्या हो जाता है, युद्ध की विभीषिका। उस समय भगवान नहीं बैठ के पढ़ाएगा, पढ़ाएगा है अशांति का टाइम होगा कि शांति का टाइम होगा? तो अशांति के टाइम में पढ़ाई पढ़ाई जाती है क्या? एक मारा मारी हो जाएगी, चौदह में पढ़ाई पूरी हो जाएगी। ये पढ़ाई पूरी होने के पीछे पड़े वैसे अंत दब तक दीना, जब तक जीना है तब तक पीना है। अभी आपने बोला ना रानी मक्खी आएगी और पति का अंत हो जाएगा, अति का अंत हो जाएगा का मतलब है कि राजधानी की इकाई स्थापन हो जाएगी, कोई एक परिवार ऐसा निकलेगा जिस परिवार में लोग देखेंगे यहाँ बिल्कुल सुख शांति है, यही असली ब्राह्मणों का परिवार है और बाकी सब नकली ब्राह्मण हैं। यही सूर्यवंश है, इसी सूर्यवंश की दुनिया की स्थापना होने वाली है। प्रैक्टिकल को प्रमाण की दरकार नहीं होती है। तो विजय माला 18 से पहले आ जाना चाहिए, सबको दिखाई पड़ जाएगी। नहीं सब कुछ नंबर वाली थी, अभी भी वो जो अपने ग्रुप में जो तैयार हो रही है ना, जैसे अभी नई दुनिया का फाउंडेशन पड़ चुका है, तुम बच्चे आना जाना करते हो ना? हम बच्चों को तो चांस ही नहीं मिला आना जाने का, माना बाबा ने पार्सलिटी कर दी। बाबा ने पार्सलिटी कर दी कि किसी को नई दुनिया में उठा लिया और किसी को नहीं उठाया। हमने तो ऐसे बोला था, या तो हमको योगिनी माता से मिलाई या फिर हमको भी एनएस में, किसी को बोलने से मिलाया जाता है क्या? कोई को बोलने से कहा जाता है कि तुम आ जाओ नई दुनिया में, है नष्ट हुआ ईश्वर थी लब्धा। जो नई दुनिया में पहुंचे उनकी पहली परीक्षा क्या होगी? स्मृति लब्ध। वो जब से निकले होंगे ज्ञान में तब से ही उनका ये गुण विशेष देखने में आ रहा होगा क्या? लौकिक परिवार वालों से ये तो पूर्व जन्म हो गया, अब तो हमारा नया जन्म हो गया। जो इनका नया जन्म हो जाता है पूर्व जन्म की स्मृति रहती है, भूलो इनको, अब तो भगवान हमारा माई बाप हो गया। क्या? देह की संबंधों को भूल जाओ, ये देह को भी भूल जाओ, जैसा भी चीथड़ा मिलेगा पहन लेंगे। क्या बढ़िया बढ़िया सलवार चाहिए,
कुर्ती चाहिए, बढ़िया बढ़िया फाका फक दुपट्टा चाहिए, 500 रुपए की साड़ी चाहिए सफेद धका धक, फिर ये तमन्ना रह जाएगी। देह से मर गए तो मर गए। बढ़िया भोजन तला हुआ चाहिए, तला तलाया है, सीट चाहिए, 36 प्रकार के भोजन चाहिए, ये तमन्ना रह जाएगी नहीं। अरे खिचड़ी है, चलो जगन्नाथ का भंडारा ही सही। एक जन्म के लिए क्या बड़ी बात है, 84 जन्म का अगर सुखी ही सुख मिलता हो और एक जन्म के लिए त्याग होता हो, उस त्याग में भी भाग्य भरा हो, तो क्या बड़ी बात है। वो कोई त्याग, ये देह का आकर्षण छोड़ना, देह के संबंधियों को छोड़ना, देह के पदार्थों को छोड़ना बड़ी बात है क्या? लेकिन वो तो त्याग देते हैं। और हम, मैं बपुरा बूढ़न मरा, आए पता नहीं कोई हमारी संभाल करेगा कि नहीं, कल बीमार पड़ गए तो क्या हाल होगा है? सबको छोड़ दे, कैसे साधु संन्यासी की शूटिंग हो जाएगी? उनको भी साथ ले जाए, बाबा ने मना कर दिया तुम परिवार सहित मत आओ, मना कर दिया क्या? तुम तो ऐसे ही समझ रहे हैं, बाबा तो और खुश होंगे क्या? पूरा झाड़ का झाड़ निकल आया। हाँ बाबा, योगिनी माँ सूर्यवंशियों की माँ है, तो अगर हम सूर्यवंशी हैं तो उनसे कनेक्शन हमारा होना चाहिए ना? चाहिए। और अगर कनेक्शन नहीं है तो जी तो कैसे रखे? कैसे रखे? उन्होंने कैसे रखा? उन्होंने सूर्य से कनेक्शन कैसे कर लिया? सब बता जी। अरे बाजू हाई कोर्ट तक लड़ाई लड़ ली, लौकिक संबंधियों ने बांधा चाहा, अभी तक भी बांध रहे हैं, अभी भी पुलिस लेकर के आ जाते हैं, झूठा मुकदमा नुदा के आ जाते हैं, निबंधन में आ रही। बाबा तो मुरली में कहते बंधन बकरियों को होता है। एक वार्तालाप में बताया आपने तीन और चार जूतियां भी ले लेता है, मतलब एक जूती पड़ जाती है तो बाबा दूसरी जूती ले लेता है, तो तीन जूतियां तो आपने क्लियर कर ली, तीन चार शादियां भी कर लेते हैं। हाँ हाँ, चौथी कौन सी है? चौथी चौथी जूती कौन सी है? जूती यही बोला कि सर का ताज नहीं है, जूती हो गई ना, यमुना निकलेगी नहीं, फिर गंगा निकलेगी नहीं, फिर सरस्वती, जगदम्बा सरस्वती निकली या नहीं, फिर ये तीन तो क्लियर करी आपने, फिर लास्ट में सूर्यवंशी नहीं, जूती नहीं है, और वो यज्ञ को संभालने वाली माता नहीं है। अरे वो अत्री की पत्नी नहीं है? अत्री की पत्नी पत्नी है ना, काशी शिव की प्यारी नगरी कौन सी है? दिल्ली क्यों नहीं बताया? मथुरा नगरी क्यों नहीं बताई? क्या बताई? प्यारी नगरी काशी है। क्यों प्यारी नगरी है? कि और कहीं ना कहीं फंस जाते हैं गुरु लोग, अपने चेले चपाटों में फंस जाते हैं, साधु संन्यासी गंगा जी महारानी, जमुना की मिट्टी तो है चिपकेली, जो आया उसको चिपका लेती है, जमुना की मिट्टी तो है चिपकनी। तो लक्ष्मी सर का ताज बनेगी ना? है वो जूती है नहीं, सर का ताज, फिर वो पवित्रता का ताज नहीं है? तीन चार जूतियां बताइए, एक एक सर का ताज है, वो जूती नहीं है। वो कहाँ बता रही है? तो आप कह रहे हैं चार जूतियाँ बताई, वो सर बताया ना, गंगा हाँ सरस्वती और हाँ जी हाँ जी चार जूतियाँ बताई, हाँ जो
लक्ष्मी माता आएगी हाँ। वो तो सरकता है ना, उसे ज्योति कौन बता रहा है? तो आप प्रश्न पैदा कर रहे हैं, सरकता बताया। आप क्यों उठा रहे हैं इस बात को? भक्ति मार्ग में दिखा दिया है, लक्ष्मी विष्णु का पांव दबाती है। हाँ, पांव की जूती है, तभी पांव को सुख कौन देता है? पांव को सुख देने वाला कौन सा वो क्या नाम वस्तु है जो पांव को सुख देती है? जूता या जूती। तो लक्ष्मी को भक्ति मार्ग में दिखा दिया पांव दबाने वाला, वो पांव ऐसे थोड़े ही दबाती है, पवित्रता की शक्ति से दुनिया के सारे काम संपन्न होते हैं। रुद्रमाला बनती जरूर है, लेकिन बनने के बावजूद भी राजधानी तो स्थापन नहीं होती। जब तक पवित्रता की प्योरिटी की पावर सहयोग न दे। और माफी मांगते हैं तो कान क्यों पकड़ते हैं? भैया अब हम किसी की बात नहीं सुनेंगे, हमने भूल कर दी तो दूसरों की बातों में आ गए, हमने उल्टा काम कर लिया। और रुद्रमाला और विजय माला कब तक एकीकरण होगी? कब तक एकीकरण होगी? कितने दाने हैं? अरे रुद्रमाला विजय माला में दाने कितने हैं? 108 दाना विजय माला में है, 108 दाना रुद्रमाला में है। तो 108 दानों में सब एक ही धर्म में जाने वाले हैं या अलग अलग धर्मों के? माला बनाते हैं, एक ढेरी बनाई, दूसरी ढेरी बनाई, तीसरी ढेरी बनाई, चौथी बनाई, 8-9 ढेरियां बना दी, फिर नंबर बार धड़ाधड़ उसमें एक ढेरी पोड़ी, फिर दूसरी ढेरी, तो ऐसे 9 ढेरियां फिर हुई थी। माला तैयार हुई कि नहीं? ऐसे ही करते हैं ना कि नंबर बार फिर होते हैं या ऐसे ही अजर्रा जो माड़ा जहाँ से आया वहीं से उठा लिया नंबर बार? तो ऐसे ही ये 9 धर्मों के 108 मणके हैं, 12 ने में 108, 12 के ग्रुप नंबर बार पिरोए जाते हैं। तो क्या उनका वर्ष फिक्स हो जाएगा कि एक ही वर्ष में सब राजाएं तैयार हो जाएंगे, सब रानियां तैयार हो जाएंगी कि टाइम लगेगा? तो क्यों ऐसी बात पूछते? तो बाबा ये 108 वो बात अलग, वो एक बात अलग, अभी तो सूर्यवंशी माला की बात हो रही है। तो दोनों के स्वभाव संस्कार एक होंगे जब भी चिरोए जाएंगे। बिल्कुल। और सात दिन की मूसलाधार बारिश होगी है? सात दिन की विनाश के बाद हाँ मूसलाधार बरसात होगी, उसमें सब आत्माएं ढकी रहेंगी है? आत्माएं ढकी रहेंगी, बरसात में थोड़ी ढकी रहेंगी, बरसात में नहीं ढकी रहेंगी। हाँ बरसात होने के बाद ठंडक हो जाती है, आजकल बरसात हो रही ना, बरसात नहीं होगी, खुला मौसम होगा तो खूब गर्मी होती है, फिर जब बरसात हो जाती है तो क्या हो जाता है? ठंडा हो जाता है। तो 7 दिन लगातार मूसलाधार बरसात होगी तो दुनिया का वातावरण एकदम 0 पावर पहुंच जाएगा, नीचे पहुंच जाएगा, तो पानी का क्या बन जाएगा? बर्फ ही बर्फ बन जाएगी। तो आत्माएं उसके अंदर ढकी रहेगी, शरीर भी उसके... आत्माएं थोड़ी ढकती हैं, शरीर ढक जाएंगे, वो भी शरीर वो ढक जाएंगे जिन शरीरों ने योग बल का पुरुषार्थ किया होगा, जिन्होंने योग बल का पुरुषार्थ ही नहीं किया, धर्मराज के डंडे खाए हैं, जमीन हिली और बिल्डिंग गिर गई 100 मार की, सब दब के मर गए, किसी की टांग दबी हुई है, 6-8 दिन दबी रही और चिल्लाता रहा,
किसी की बांह दब गई, किसका अवसर बच्चा हो गया, जिंदा रहा, तो तकलीफ होती रहेगी ना, तो सजाएं भुगते रहेंगे, हाय हाय करके मरेंगे, हाय हाय करके शरीर छोड़ेंगे या आराम से छोड़ेंगे, हाय हाय करके। तो हाय हाय की दुनिया में जन्म मिलेगा या सुख की दुनिया में जन्म मिलेगा? हाय हाय की दुनिया में जन्म, यंत मते सुगते हो जाएगी। तो बाबा जिनका जो आत्मा शरीर बर्फ में ढके रहेंगे वो सत्युग में पहला जन्म नहीं लेंगे, वो जन्म से नहीं होगी ना, जन्म नहीं लेंगे ना सत्युग में, जो सूर्यवंशी बच्चे पहले पहले जाएंगे तो मैंने वो सारे ही ढके रहेंगे कि नंबर वार निकलते भी जाएंगे, तो जो नंबर वार निकलेंगे उनसे बच्चे पैदा होते रहेंगे। नहीं लेकिन वो जो कंचन का है उनके जाएंगे ना फर्स्ट में, तो जन्म लेके भी पार्ट पे जाएंगे ना वहाँ पर सत्युग में। जिनका शरीर रहेगा बर्फ से बाहर निकलेगा उनसे बच्चों की पैदाइश होगी। लेकिन वो जो पैदा करने वाले वो ही तो हुए पैदा करने वाले, जो बर्फ में ढके रहे, बर्फ में रिजुविनेट हो जाएगा शरीर। बाबा वो जो जोड़े बनते हैं तो वहाँ जोड़े दोनों एक साथ तो बर्फ में ढकते नहीं, साथ में तो अलग अलग होते हैं। तो क्या हुआ, बर्फ से निकलेंगे फिर वो इकट्ठे हो जाएंगे, उनके वाइब्रेशन जहाँ जिसको खींचेंगे वो फिर इकट्ठे हो जाएंगे। शरीर भी पूरा चेंज होगा। तो बाबा ये जो माउंट आबू में ग्रुप रहेगा और दिल्ली में ग्रुप रहेगा, तो माउंट आबू वाली आत्माएं माउंट आबू में ही बर्फ में दबेंगे और दिल्ली में ग्रुप रहेगा वो दिल्ली में दबेंगे, तो फिर ये एक साथ इकट्ठे एक शूटिंग होगी, पहले रिहर्सल होगा। ये दबना दबाना ये तो बाद की है, स्थूल दुनिया की, पहले ब्राह्मणों की दुनिया में शूटिंग होगी, ये स्थूल दुनिया का काम होगा, ब्राह्मणों की दुनिया का काम होगा। पहले बुद्धियोग से मिलकर के एक होंगे, ये शरीर से मिलकर के एक हो जाएंगे, बुद्धियोग से मिलेंगे। और तो बाबा जो है हम लोग संगम स्वर्ण युग का जो सुख भोगना है वो सुख कब से शुरू होता है? जब इंद्रियों के सुख से लगाव हट जाए, आज शुरू कर दो। आ जाओ काशी नगरी में भी नंबर वार हैं, उनकी भी परीक्षा होनी है। अभी फाउंडेशन डाला जाता है जमीन के अंदर गहराई में, जमीन खोद के, तो जो भी कंकड़ पत्थर उसमें डालते हैं दुर्मुठ बजाते हैं जोर से, कोई पत्थर चिकना होता है ये फिसल के गया, निकल गया बाहर। अभी भी इक्का दुक्का बाहर होते रहते हैं। उदयपुर में वृद्धि नहीं हो रही। हाँ अब उदयपुर में युगल जोड़ी नहीं बन रहे। तो गांव गांव से इकट्ठे होके बैठे हुए हैं, बाहर के गांव के सारे इकट्ठे होके बैठे, निलंगा का तो कोई भी नहीं है, तुम तो सारे उदयपुर के। फिर
परंतु बाद में जो एमपी में इतने बाद में निकले भोपाल ढेर सारे, तो हमारे अंदर ऐसी क्या कमी है बाबा, उसको हम पूरी करना चाहते हैं। और भाई भी हमारे खूब आत्माएं निकले यहाँ का, अभी भी तो क्या पत्थर बुद्धि है क्या, पत्थर पार बहुत है। वो संख्या बढ़ानी है या पांच पांडव इकट्ठे करने हैं, पावरफुल तो आप तो आप तो संख्या बढ़ाने की बात कर रहे हैं। है दोनों क्यों क्यों हो दोनों, जब पांच पांडवों से ही विजय हो जाती है तो करो 500 करोड़ का कल्याण, बड़ो माई बाप 500 करोड़ की जगदम्बा। अच्छी बात है, जगदम्बा की सब पूजा करते हैं, जगदम्बा से सब मनोकामनाएं प्राप्त होती हैं। जगदम्बा देगी कहाँ से, देगी तो बाप से ही ना। निमित्त तो है, सब सब मनोकामनाएं बाप पूरी करते हैं क्या, माँ कहाँ से लाएगी, देगी तो बाप से ही देगी, सहयोग तो बाप से ही। जो विदेशियों की मनोकामना है वो भी पूरी करती है, प्रैक्टिकल बातें हैं, माँ पिता की संतान, वो प्रैक्टिकल बातें हैं। लक्ष्मी नहीं करेगी पूरी, करेगी है? अभी हम परिवर्तन हुए कहाँ, जब तक फिर वही हम की बात कहाँ, यहाँ जगदम्बा की और लक्ष्मी की बात हो रही है। परिवर्तन तो सब उसको परिवर्तन तो वही करेगी, जगदम्बा और लक्ष्मी में अंतर क्या है, जगदम्बा सब मनोकामनाएं पूरी कर देती है, लक्ष्मी वो ही दूंगी जो बाप ने दिया है, क्या दूसरा कुछ भी मेरे पास नहीं है, है? जो जगदम्बा के बच्चे होंगे वो जगदम्बा की वकालत जरूर करेंगे। जगदम्बा भी वही देगी जो बाप ने दिया, बाप ने बेकार नहीं दिए, बेविचार नहीं दिया, बाप व्यभिचार देता है, मम्मा ने लिए बाप व्यभिचार देता है, नहीं वो नहीं देता है, नहीं देता, लेकिन जगदम्बा तो वो उसका पार्ट है, तो बस खत्म बात। तो जो ऐसे नहीं कि जो बाप देता है सोई जगदम्बा देती है, हाँ जगदम्बा का पार्ट है सारे जगत को बांटना, सबको। दिल्ली एक ऐसा शहर है जिसने सबको गोद में पाला है, धना चमार नथू खैरा आयरा गैरा सब आकर के पालना ले लो, लक्ष्मी की गोद में देवताएं पलेंगे, और धर्मवंशी विष्णु की गोद में पलते नहीं है। और बाबा आपने बोला है जगदम्बा ना होती तो आप भी नहीं, बिल्कुल सही बात है, तो गलत बात है क्या, जो सच्ची बात है बोलना नहीं चाहिए, है जगदम्बा है तो सारी दुनिया है, जगदम्बा ना होती तो ये नास्तिक जो रसिया के बैठे हुए हैं एटम बम बनाने वाले, जिस दुनिया में रहते हैं उसी दुनिया को खलास कर देते हैं, वो कहाँ से आते, कहाँ से आते, जगदम्बा से ही आते हैं। जगदम्बा सारी दुनिया को जन्म, जगत की अम्बा है, और लक्ष्मी दिति और अदिति, दिति है दैत्यों की अम्बा और अदिति है अद्वैत देवताओं की अम्बा, एक शिव बाबा दूसरा न कोई, अम्मा अम्मा में फर्क हो जाता है पैदाइश में, दो माताएं होती हैं किसी बाप को, एक माँ से बच्चे पैदा हुए दूसरी माँ से भी पैदा हुए, जैसे कश्यप को दो पत्नियां दिखाई, एक दिति एक अदिति, अब भाव स्वभाव का अंतर पड़ गया, माताओं धरणी धरणी का अंतर है, वही आलू उत्तर भारत में पैदा होता है गैस नहीं करता, वही आलू वही बीज एक ही है, वही दक्षिण भारत में बोध हो जाके धरणी बदल गई क्या बन जाता है, वही आलू गैस पैदा करने वाला बन जाता है, तो बीज एक ही है और धरणी अलग अलग हो जाती है, तो पैदाइश में फर्क पड़ जाते हैं। बाबा जिन बच्चों का कनेक्शन जगदम्बा से होगा उनका लक्ष्मी वाली आत्मा से भी होगा,
जिन बच्चों का कनेक्शन, क्यों काशी नगरी में जो जाने वाले हैं उनका जन्म, काशी नगरी का जन्म जो है जगदम्बा से नहीं हुआ? अरे काशी नगरी में जाने वालों की बात बाद में करो, काशी नगरी का जन्म जगदम्बा से नहीं हुआ? जगदम्बा नहीं निकली होती तो काशी नगरी का जन्म हो जाता? उसका भी जन्म जगदम्बा से हुआ, सारी दुनिया का जन्म काशी जगदम्बा से होता है। तो जिन बच्चों का अभाव कनेक्शन है जगदम्बा से, उनका लक्ष्मी वाली आत्मा से कनेक्शन होगा ना? आप एक शिव बाबा, दूसरा न कोई, कोई मम्मा के मुरीद, कोई बाबा के मुरीद, शिव बाबा को कोई, अब बाबा क्या करे इसमें? तो प्रजापिता वाली आत्मा के लिए भी तुम बोला है कि ब्रह्मा मुख से सुने बिगर ब्राह्मण था क्या? हाँ हाँ, तो वो सुनना बड़ी बात है या समझना बड़ी बात है, धारण करना बड़ी बात है? जन्म तो हुआ ना। अरे बड़ी बात क्या है, सुनना बड़ी बात है, वो तो भक्ति मार्ग में भी सुनते सुनाते रहे, बड़ी बात हो गई? समझना बड़ी बात, समझना भी बड़ी बात नहीं है। कौरवों ने सब समझ लिया, रावण ने सारा समझ लिया। रावण बुद्धिमान समझदू था, विद्वान पंडित आचार्य था या बेसमझ था? सब कुछ समझ लिया, लेकिन धारणा नहीं की। तो मूल बात सुनने की नहीं है, मूल बात है धारण करने की। तो धारण कराने वाली शक्ति कौन है, धारणा शक्ति कौन है? फिर जो धारणा शक्ति है उसके लिए बोला आवाहन करो। अच्छा, अन्नपूर्णेश्वरी किसको है? अन्नपूर्णेश्वरी हाँ, वो किसके लिए है, कौन सी माता की? अन्न कहते हैं योग को, क्या अन्न किसे कहते हैं? याद को अन्न कहते हैं। अन्न भी दो प्रकार का है, एक राक्षसी भोजन मांसाहारी और दूसरा शाकाहारी, एक शाकंभरी देवी एक मांसाहारी देवी। शाकंभरी देवी कौन? दोनों ही मिलती हैं, लक्ष्मी महालक्ष्मी, तभी तो महालक्ष्मी बनती है। शिव बाबा ने जो वरदान आपको दिया है वो आप भूल गए? नहीं भूल तो नहीं गए। फिर क्यों रिपीट कर रहे? माना बाबा के ऊपर धीरज नहीं है, धीरज धर मनुआ, धीरज धर, बाबा चिल्लाते रहते हैं वो फालतू है, तो क्यों पूछ रहे? ऐसे तो हो नहीं सकता कि घर वालों के हिसाब किताब पूरे ना हो और हिसाब किताब पूरे होने से पहले ही वो ज्ञान में आ जाए। आपके साथ जो उनका हिसाब किताब है लेन देन का, वो पूरा करेंगे तभी तो आएंगे कि पहले जा जाएं? नहीं, भगवान बाप जो है वो पार्सिटी करते हुए निश्चिंत रहो। अरे भगवान बाप ने बोल दिया, क्या बोल दिया है कि तुम्हारा पूरा का पूरा परिवार मस्त हो जाओ, चलेगा चलेगा तो चलेगा, क्या 84 जन्म लेगा तो लेगा, दुनिया चाहे 84 जन्म न ले, लेकिन हमारे घर वाले सब स्वर्ग में जाएंगे। तो ब्रह्मा कुमारियां दीदी दादियां दादाएं इतने पुराने पुराने चल रहे हैं वो नहीं जाएंगे, लेकिन हमारे परिवार जाएगा। क्यों जाएगा, ऐसी क्या खास बात है उनमें? हाँ, वो ब्रह्मा कुमार कुमारियां वो भी है हमारा ब्राह्मण परिवार, लेकिन उन्होंने हमको लात मार के निकाल दिया। हमारे घर वाले कभी नहीं चाहते कि लात मार के हम इनको निकाल दें और ये अलग चले जाएं, वो तो हमेशा आवजू आवजू करते रहते हैं, भले तुम ज्ञान में चलते हो तो चलते रहो। तो दिल का प्यार किसके पास है? हमारे परिवार के पास दिल का प्यार है ना, उन ब्राह्मणों के परिवार में दिल का प्यार है नहीं है, इसलिए वो उनके परिवार वालों के लिए ये वरदान नहीं है। बाबा सत्यवती ने शरीर छोड़ दिया,
तो क्या हुआ, दोबारा जन्म लेकर के एडवांस में आ जाएंगे हैं? आपका पूर्व जन्मों का जो हिसाब किताब था वो पूरा हुआ। अब जिन आत्माओं के साथ उनका हिसाब किताब पूर्व जन्म का रह गया है वो पूरा करने चले गए। तो फिर गीता पाठशाला का अंत में युगलों की महिमा निकलेगी तो कैसे निकलेगी? युगलों की महिमा निकलेगी तो कैसे निकलेगी? तो क्या हुआ, युगल जो होंगे उनकी महिमा निकलेगी? होंगे नहीं युगल? आप ऐसी बात पूछते हैं जिसका हमें जवाब देने के लिए मजबूर होना पड़ता है। आपकी लड़की ज्ञान में चलती थी? चलती थी कि नहीं? चलती थी। फिर क्या हुआ? नहीं चल पाई। ऐसा गड़बड़ मत बोलो, वो लड़की बहुत अच्छी थी, आपने जोर दिया और उसकी शादी हो गई। नहीं दिया मैंने। नहीं, उसने कहा मैं कंपनी, आप अड़ जाते तो वो कुछ नहीं कर पाती। उसने कहा मैं कंपनी नहीं हूं। नहीं नहीं, माँ बाप देखो आज भी मुरली में आया, जो माँ बाप अपनी रचना की पालना नहीं कर पाते तो उनको दंड मिलता है। हम स्वर्ग में जाएंगे और हमारी रचना नहीं। उसने बोला मैं कंपिल में नहीं रहूंगी। चलो कंपिल में नहीं, दूसरे में मन ही घर में गीता पढ़ता है। और कंपिल में नहीं रहूंगी तो दूसरी जगह भेज दी जाएगी, क्या बड़ी बात? बाबा ने तो मुरली में बोला हुआ है तुम्हारी लाखों की तादाद में सेंटर्स खुल जाएंगे। उस समय से क्या मतलब है? आगे के लिए जो संगम युग वो खत्म हो गया? संगम युग खत्म नहीं हुआ, परंतु मैंने उसको कहा कि तुम घर में गीता पाठशाला खोलो, तो फिर पापा ने कहा कि वो कहाँ से गीता पाठशाला खोलेगी, वो तो कन्या है, कन्या थोड़े गीता पाठशाला खोलती है। हाँ, कन्याओं के लिए बाबा ने बोला है, कन्याओं को सेंटर दे देंगे संभालने के लिए, वो तो अभी दिखाई पड़ रहा है। लाखों की तादाद में सेंटर खोलेंगे और कन्याएं तो हजारों की तादाद में नहीं हुई अभी, तो कन्याओं की कमी पड़ जाएगी कि नहीं पड़ जाएगी? आप कुछ भी बोलिए, धर्मराज के आगे आप पकड़े जाएंगे। हाँ, वो आप बचेंगे नहीं। बच्चों को नरक में ढकेलना और खुश हो जाना और खुद स्वर्ग में जाना, ये पाप है। पहले जो माँ बाप होते हैं आग में से, पहले बच्चों को निकालते हैं या खुद निकल के भाग जाते हैं? बच्चों को निकालते हैं, तो पूरा संकल्प। कन्या के ऊपर दोष मत धरिए, कन्या कन्या निष्पाप, कन्याएं निष्पाप होती हैं, वो कुछ भी बोले आपके सामने। वो फंस गई तो जहाँ फंस गई वहाँ की बात करेगी या ये कहेगी कि मैं अच्छे घर में नहीं आई? कन्या का धर्म हो जाता है कि वो अपने पति की पार लगाने की बात करे, खुद बाद में, लेकिन पति और पति का परिवार पहले पार लगे। तो बाबा ने जो बोला है उस पर शंका नहीं करनी है। बाबा ने बोला है युगलों की महिमा निकलेगी तो निकलेगी, आगे चल के युगल ही नाम बाला करेंगे बाबा का। तो बाबा कह रहे कि शादी के लिए मना कर रहे, ज्ञान में आने से पहले शादी की या बाद में की? तो महत्व तो युगल का है ना, शादी बाद में करो। ज्ञान सवाल यह है, ज्ञान में आने से पहले शादी की या बाद में शादी की? तुम अपनी बात मत करो, सभी की बात, सभी युगलों की बात करो। ज्ञान में आने से पहले शादी की या बाद में की? दूसरी बात, बाबा की परमिशन से शादी की या लव मैरिज कर ली? बाबा परमिशन दें तो गंधर्वी विवाह हुआ ना, मुरली में गंधर्वी विवाह की बात आई ना, वो बाबा की परमिशन से गंधर्वी विवाह होता है। बाबा माँ बाप है बच्चों का, बच्चों की अगर सत्ता जोड़ी कराता है माँ बाप बन करके तो कोई दोष है क्या? कोई दोष नहीं। बाबा सबके 84 जन्मों की गति को जानता है, कर्मों की कोई गति को बच्चे थोड़े ही जानते हैं, वो तो अज्ञानी अबोध हैं। शादी बर्बादी तो बर्बादी है अगर अपनी मनमत पकड़ लिया तो, और ऐसे शादी करने वाले बाबा ने कितने बच्चों को परमिशन दे दी, ब्रह्मा बाबा ने। नाम याद है उनके? क्यों भी नाम याद नहीं? रमेश उषा हुआ, आओ एक दिल्ली में दो तीन बैठे हुए
तो बर्बादी हो गई है, आबादी हो गई है, बर्बादी है। उषा रमेश तो बॉम्बे वाले हैं ना? उषा रमेश अकेले की बात नहीं, दिल्ली में जो बैठे हुए हैं उनकी बर्बादी हो गई है, आबादी हो गई। क्यों हो गई बर्बादी? बाबा की परमिशन से किया उन्होंने, तो बर्बादी क्यों हो गई? नहीं, ब्रह्मा बाबा भगवान का रूप नहीं है, बाप का रूप नहीं है। ब्रह्मा बाबा के सामने बच्चे आते थे, रोते थे, बिलखते थे, बाबा हमारे घर में ये परेशानी, घर टपकता है, टूटता है, अब हम बाबा घर में बहुत तकलीफ हो रही है, बच्चों के लिए ये डर है, वो डर है, बाबा द्रवित हो जाते थे। अच्छा बच्चे प्रॉपर्टी बना लो, मकान बना लो, एक कमरा गीता पाठशाला के लिए छोड़ देना, एक कमरे में गीता पाठशाला खोल देना। वो माथुर साहब मकान बढ़िया सा बना लिया और गीता पाठशाला साहब कुछ भी नहीं। तो श्रीमत हुई या ब्रह्मा बाबा की मनमत हुई है? मनमत हो गई। यहाँ एडवांस पार्टी में किसी को परमिशन मिली है शादी करने की? मिली किसी को परमिशन? बाबा बोला था ना कि लड़का है तो घर से निकाल दो, तो लड़की है तो शादी करवा पाना हो करेगी। आप छोड़ दीजिए बात को, ज्ञान में नहीं चलती है तो बात है, जो ज्ञान में चलती है अच्छी खासी होशियार थी बहुत, वो लड़की तो अभी बड़े सेंटर की इंचार्ज होती, पढ़ी लिखी थी, ज्ञान के धड़ाधड़ पॉइंट्स बोलती है। और बाबा जो युगल बाबा के आज जाके सरेंडर हो जाएंगे उनकी महिमा होगी, या जो गर्भस्थ में रह के गीता पाठशाला चलाएंगे उनकी महिमा होगी? कोई भी युगल हो, सेवा कर, सेवाधारी हो, गीता पाठशाला चलाते हैं, पूरी श्रीमत पर चलते हैं, पूरा अपना पोता मेल देते हैं एक एक पैसे का, तो वो ऊंच पद नहीं पाएंगे? ये मतलब थोड़ा ही है कि सरेंडर कौन है, कागज पे लिखने से सरेंडर हो जाता है क्या? ये तो अंदर की बात है, कौन पूरा श्रीमत पर चलते हैं, कौन सरेंडर बुद्धि है, कौन सरेंडर बुद्धि नहीं है, कौन पूरा चलते हैं श्रीमत पर, कौन नहीं चलते हैं, कौन मनमत पर चलते हैं, कौन मनुष्यों की मत पर चल पड़ते हैं। बाहर से देखने में सरेंडर है, बाबा समझते हैं ये तो बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल है, तो सरेंडर बुद्धि हुए। माता ज्ञान में चलती है, उसका युगल नहीं चलता है, तो फिर क्या करें? ज्ञान में चला है, एक टाइम ऐसा भी माताओं का आता है कि युगल छू 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 करता है, पुचुर पुचुर करता है, तो उस टाइम मना नहीं सकते। हर समय सर के ऊपर चढ़ के बैठता है कि पांव भी चूमता है? कोई टाइम ऐसा आता है कि पांव भी चूमते हैं युगल? आता है या नहीं आता है? आता है तो मना उनको, फिर दृढ़ नहीं रह पाते, मोह आ गया उनकी गिरफ्त में, पहले आ गए, अपना काम भूल गए। ज्ञान में ही आना था तो हमने पहले शादी क्यों की? तो आपका आपका दोष कहाँ है? तो पुरुषार्थ ऐड होता है ना? आपका दोष कहाँ है? आपका दोष है क्या?
नहीं है बाबा, पर बोलते हैं ना बाबा कि हमारा पुरुषार्थ रेड होता है, तो हमने बीके पहले कर लिया तो हम अभी डायरेक्ट बीके पहले कर लिया, मतलब पिछले जन्म में किया होगा तभी हम एडवांस में है डायरेक्ट, तो पिछले जन्म का हमारा बीके का एड होता तो हम बिना शादी किए भी तो आ जाती है। तो आपने कोई ऐसा वहाँ कर्म किया होगा जैसे शादी लाजमी हो गई ज्ञान में आने से पहले? बाबा को या ड्रामा को कोई दोष नहीं दे सकता। नहीं बाबा, दोष नहीं दे रहे। तो क्यों का सवाल पैदा हो रहा ना, ऐसा क्यों हुआ, क्यों माने उंगली उठ गई ना? नहीं, नहीं बाबा, अपने लिए ऐसे संकल्प उठता है कि हम पहले ही आ जाते हैं, ऐसे आपके लिए नहीं। संकल्प क्यों उठना, ड्रामा में जो है सो कल्याणकारी, सब संकल्प खत्म। हाँ, ये ब्रह्मा बाबा की गदा सबसे बढ़िया। कोई बात आई? अच्छा, ड्रामा निवृत्ति मार्ग की हो जाती है, यहाँ पर पास है कथा में लगे, इसे ये भी संभाल नहीं पाते हैं। बाबा शादी नहीं करती तो निवृत्ति मार्ग पास में संभाल रहे हैं यहाँ। हाँ, ज्ञान ज्ञान में एडवांस में ज्ञान में चल रही होती, शादी न की हुई होती और बाद में बित बित करके इसकी तरह शादी कर ली तो फिर मैं और पाप बन गया। बाबा ने तो बोला शादी बर्बादी, और ज्ञान में चलने के बाद भी शादी कर ली। आपके ऊपर पाप तो नहीं चढ़ा बाबा की अवहेलना का? अब वो तो कुड़ी फंस गई, आप फंसे तो नहीं कम से कम। फिर है बाबा मिला कल्याणकारी शादी। हाँ हाँ, हर बात में खुश होना चाहिए। सिर्फ ये देखना है अभी वर्तमान में हमसे कोई भूल तो नहीं हो रही है। अगर हम अपने पुरुषार्थ से संतुष्ट नहीं है तो जरूर कहीं न कहीं श्रीमत का उल्लंघन हम कर रहे हैं, वो बात देखनी है। वो तो थोक पॉइंट है, याद और सेवा ये थोक पॉइंट है पुरुषार्थ का। बाबा बोलते हैं पोता मिल दो, अपना पूरा पोता मिल दो, और फिर जब हम लिखने बैठते हैं डिटेल में तो बहुत बड़ा हो जाता है, फिर बोलते हैं शॉर्ट में लिखो, तो फिर कैसे लिखे? बाबा तो कहते हैं पोता मेल में 6-8 शब्द लिखना काफी है। मुख्य पोता मेल तो काम विकार का होता है, क्रोध विकार का होता है। अरे किस व्यक्ति के साथ उसका नाम लिखो, किस स्थान पर वो स्थान का नाम लिखो, कौन से टाइम पर वो टाइम लिख दो, कौन सी तिथि तारीख है वो तिथि तारीख लिख दो, कौन सी उम्र थी वो उम्र लिख दो। ये सारी बातें लिख करके हमसे यही भूल हो गई, लंबा चौड़ा करने की क्या जरूरत जरूरत है? वही बात तुम दो शब्दों में लिख दो और वही जो 4-5 पन्ने हैं अपना प्रूफ प्रमाण देते रहो, हम ये बात ऐसे पर समस्या आ गई, वो समस्या वैसे आ गई, ये कारण बन गया, वो कारण बन गया, इसलिए हम मजबूर हो गए, इसलिए ऐसा करना पड़ा, हमारी कोई दोष नहीं, लंबा चौड़ा करने की क्या जरूरत? पापा युगल ज्ञान सुनते हैं तो अनिश्चय में क्यों आते हैं? युगल ज्ञान सुनते हैं कैलाश माता के उधर अनिश्चय में क्यों आते हैं? मेरे को बहुत रोना आता है, अनिश्चय में आ जाते हैं, निश्चय नहीं होते आपके ऊपर। उनको बार बार ज्ञान सुनाते रहो, सुनाती रहती हूँ मैं। हाँ सुनाते रहो, जब मौका मिले तभी सुनाते रहो, ज्ञान सुनते सुनते निश्चय बुद्धि हो जाएंगे। हाँ अंदर है तो बाहर नहीं निकालने दोगे, वो अंदर अंदर घुटघुटाता रहेगा तो सड़ांत पैदा कर देगा, इसलिए हाँ कोई बात नहीं, आता है तो घूम निकाल दो उसको बाहर, और बाबा को बता दो निकालते जाओ बताते जाओ, निकालते जाओ बताते जाओ। बाबा 4:15 साढ़े 4 भी अमृत कहलाएगा, 4:15 साढ़े 4 5 बजे तक अमृत कहलाएगा। अरे
एक घड़ी याद ही घड़ी याद ही की भी पुण्य याद जिस घड़ी बाबा को याद वही अमृत ले ले जिस घड़ी बाबा को याद वही अमृत ले ले ना बाबा तो जो उदयपुर में निकले हो बस इतने ही पांडव रहेंगे हैं उदयपुर से जो निकले थे इतने ही पांडव रहेंगे आगे वृद्धि नहीं होगी। आप प्रश्न क्यों पैदा कर रहे हैं? आप कहें कि ज्यादा निकलेंगे अव्यक्त वाणी में बोला और राजस्थान की संख्या अंत में कमाल की बन जाएगी, कमाल की के बढ़ेगी। बच्चे कमजोर नहीं निकले, आधे तो चले गए, आधे तो चले गए। जाएंगे कहाँ? सुरेश भाई के साथ पांच भाई निकले। जाएंगे कहाँ? चंद्रा माता के शरीर छोटे से पहले कुछ चले गए। जाएंगे कहाँ? हट्टी तो फिर अब सुरेश भाई के साथ पांच पांडव निकले थे। हाँ, एक ही बचा कहाँ? आपने बचा लिया, बाबा की मुरली ने बचा लिया। वो मुरली का पॉइंट याद ना आता तो बचता ही नहीं। भगवान ही बचाएगा। तो जो चार पांच वो निकले बीके वाले थे, अच्छे थे, सब थे, क्या पता क्यों नहीं तो उनकी खान पीन की शुद्धि हो रही थी, इसी वजह भले वो सात साल भर से मुरली सुन रहे थे परंतु खान पीन की उनकी शुद्धि नहीं थी। हो सकता है कि इन्होंने दीदी दादियों को जाके ना बताया हो, जब तक इन्होंने भट्टी नहीं की या भट्टी करने से पहले भी जब तक इनको निश्चय नहीं हुआ बाबा के पार्ट के ऊपर, तब तक इन्होंने दीदी दादी हो ना, जब निश्चय पैदा हो गया फिर बताने में कोई हर्जा नहीं। उन्होंने सुनते सुनते ही उन्हें जाके पोच दी बात उनके कान में कि ऐसे ऐसे सुनाते हैं, खुद को निश्चय हुआ, फैसला कर पाए या नहीं कर पाए, और पहले ही दीदी दादी दादियों को बता दिया और उन्होंने ग्लानी का इंजेक्शन लगाना शुरू कर दिया। तो ग्लानी का इंजेक्शन लगेगा वो तो अचेत हो जाएंगे। कोई बात नहीं, पांच पांडवों में से एक युधिष्ठिर ही स्वर्गारोहण करता है, चिंता क्यों करते हैं? और मेरे ऊपर कहते हैं ऐसा क्यों? क्यों पराए घर में रह कर के, पराए घर में रहोगी तो कोई युगल खुश हो जाता है? ज्ञान में तो चले, ज्ञान में चले, वो कहते तो हैं तू आएगी तो मैं चलूंगा। दुख दे रही फालतू का बेचारा। उसकी पिटाई हो रही है उसके दिल से, पूछो कि सतो प्रधान है कि तहो प्रधान। बाबा जो भी है वो पूर्व जन्मों के हिसाब किताब के अनुसार है। जो सूर्यवंश का, हाँ, वो अपने आपने क्यों जो छपाई होती है उसमें क्यों नहीं है? क्या वो सिर्फ प्रिंट वगैरह छपता है अपने? हाँ, हमारे उदयपुर में सूर्यवंशी है जो इतना बड़ा सोने का सूर्य बना हुआ है आज भी, और कई लोगों को मतलब आज भी नियम है कि सूर्य को नहीं देखेंगे तो वो खाना नहीं खाएंगे, पानी भी नहीं पिएंगे। तो
पहले जमाने में वहाँ जो हमारे राणा दरबार के यहाँ बना हुआ है वो सूर्य उसको देख के पानी पीते थे या खाना खाते थे, वो आज भी है केवल एक क्विंटल सोने का बना। तुम रोज नहीं देखते, तुम नहीं देखते हो रोज? रोज देते हैं, पर पहले वो भाई ये कह रहा है कि वही सिंबल हमारे अंदर भी रहना चाहिए, जो भी जो हमारे सूर्यवंशी राजधानी स्थल पर हो रही है। तो तुम अंदर अंदर सूर्य को याद नहीं करते? पहले उल्टे याद करते हैं सूर्य को, तुम्हें याद नहीं आता? आपका लेटर था उसके ऊपर भी जो सिंबल बना हुआ था पूरा सूर्यवंशी का। पहले हमारी हमारी हमारा ज्ञान दिखाने का है या अंदर का है? फिर गुप्त कहाँ रहा ज्ञान? गुप्त कहाँ गया ज्ञान? गुप्त कहाँ है? गुप्त नहीं है तो सारी दुनिया जान लेना फिर। सारी दुनिया में चल ही रहा है ना, ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ जान लेना फिर। गुप्त है अभी, गुप्त है, जब टाइम आएगा तो प्रत्यक्ष हो जाएगा। जब जब पूरा चुनाव हो जाएगा, जिनको चुना है वो परिपक्व स्टेज पे पहुंचने लगेंगे तो प्रत्यक्ष हो जाएगा। योग जुगुत जप मंत्र प्रभाव फल है तब है जब करियुग दुराव, भक्ति मार्ग में भी कहते हैं। जब तक हम गुप्त नहीं रखेंगे तब तक फलेगा नहीं। बीज बोया जाता है जमीन के अंदर, बोया जाता है गुप्त, बोया जाता है बच्चा पैदा किया जाता है गुप्त पैदा किया जाता है, नहीं तो दुष्ट संतान पैदा हो जाएगी। कोई भी अच्छा काम करना है तो क्या करना है? जब तक उसकी प्रत्यक्षता ना हो जाए गुप्त रखना है। महाराणा प्रताप के जो कमर में बंदी दो तलवार है, इसका बेहद में अर्थ क्या? महाराणा प्रताप के एक तलवार के एक ज्ञान में दो तलवार है, इसका बेहद में अर्थ? एक म्यान में दो, एक म्यान नहीं वास्तव में दो म्यान थी उसमें, ध्यान से देखो ऊपर का एक ही था बाकी दो। हाँ ध्यान से देखो उसके अंदर था। पकड़ने का हत्था एक होता है लेकिन म्याने वास्तव में दो, दोनों म्यानों को मिला के एक एक म्यान बना दी गई, दोनों के संस्कार मिला के महालक्ष्मी बना दी, दोनों नारायण को इकट्ठा करके महानारायण बना दिया। वो शिव बाबा की एक तलवार हो गई। ये जो चित्तौड़गढ़ और उदयपुर दोनों वीरों की भूमि है, तो सारा राजस्थान वीरों की भूमि है, यहाँ पर वीर आत्मा तो निकली नहीं उदयपुर। और क्या निकली नहीं, यहाँ की वीर आत्मा निकली नहीं, यहीं की तो वीरता गाई गई है। रानी पद्मावती भी यहीं की। हाँ राजपूतों की तो वीरता गाई गई है। अभी अंत हो गया क्या? गायन होगा वो अंत समय का होगा या मध्य का आदि का होगा? पढ़ाई का तो अंत चल रहा है ना। आप कहते हैं तो पढ़ेंगे। बाबा ने तो नहीं कहा कि अंत समय चल रहा है, बाबा तो बता रहा 18 में बाबा प्रत्यक्ष हो गया। आपका पाठ प्रत्यक्ष हो गया? आपका पार्ट प्रत्यक्ष हो गया? आपका होगा जब होगा, हमारा हमारा पहले कैसे होगा? तो अंत क्यों कह रहे हैं अभी? तो जब हमारा पार्ट प्रत्यक्ष हो जाए तो अंत हुआ। राम वाली आत्मा के लिए कहेंगे कि अंत कब हुआ? 76 में उनका पार्ट क्लियर हुआ, बुद्धि में निश्चय बैठ गया कि मेरा ये पार्ट है तो अंत हुआ। पार्ट क्लियर नहीं हुआ है, मैं कौन हुए माई, तो अंत कहाँ हुआ अभी? अरे बीजारोपण तो हो जाए कम से कम। अच्छा बाबा जब भी मैं बहुत याद करके सोचती हूँ तो रोज सपने में आप आते हो, तो क्या मुझे ये साक्षात्कार करवा दो? सपना कोई साक्षात्कार थोड़े ही होता है, ये तो सारा दिन याद करेंगे तो रात में याद आ जाएगा। वो बाबा ने मिसाल दिया, ओ कपड़ा फाड़ने वाला व्यापारी सारा दिन कपड़ा फाड़ता है, रात में अपनी धोती फाड़ देता है।
पोस्टमैन का साक्षात्कार हुआ, चिट्ठी लाया है, जब भी बाबा आया मेरे पास चिट्ठी लाया है। हाँ फिर क्या बात है, और कुछ नहीं है। ये साक्षात्कार है नहीं, पहले तो मुरली सुनाते थे बाबा, जैसे आके तो मुरली सुनाते थे, अब बाबा सिर्फ दिखाई देते हैं। मुरली और विनाश दो के सपने बोध आते हैं बाबा, मुरली पढ़ाते हो या विनाश। बाबा जीवन आत्माओं का पाठ क्लियर होता जाएगा, क्या उनकी फिल्मी पढ़ी चलेगी या पढ़ाई पूरी हो जाएगी। फाइनल परीक्षा पूरी हुए बगैर किसी को पद नहीं मिलता है। नहीं, किसी आत्मा को उसके अंदर निश्चय हो जाए कि मेरा पद ये है, मेरा पाठ ये है, तो क्या उसकी पढ़ाई पूरी होगी। बाप का और बाप के 84 जन्म जो साथी हैं उनका पार्ट निश्चय हो गया, उन्हीं का नहीं निश्चय हो गया तो दूसरों का कहाँ से हो जाएगा। जो पार्ट होगा नंबर वार माला क्लियर होगी कि 16108 या 900000 की माला पहली प्रत्यक्ष हो जाएगी। फिर मालूम पढ़ना ही तो प्रत्यक्षता है, अपने को मालूम पढ़ना यही तो प्रत्यक्षता है। मुझे कभी कभी फीलिंग आती है बाबा कि मतलब जब भी याद करती हूँ या फिर मुझे सपने में बाबा दिखेगा, सपने मुझे कहीं आश्रम में जा रही हूँ, कहीं सेवा कर रही हूँ, तो मुझे लग रहा है कि क्या मुझे साक्षात्कार चंद्रवंशी आत्माओं को साक्षात्कार करवा के बाबा ने कमा रखा है, तो क्या मुझे भी उसी चंद्रवंशी में भेजेगा क्या बाबा। आप साक्षात्कार की बात कर रहे हैं? नहीं, सपने सपने में। सपने की बात कर रहे हैं, सपने में सपना अलग बात है, साक्षात्कार अलग बात है, संकल्प अलग बात है। और कल मैंने यहाँ क्लास में भी ये निश्चय करके नहीं बोला, मैं अपना क्लियर नहीं किया, मैंने कहा बाबा आएगा जब भी तो मेरा क्लियर होगा कि हाँ बाबा आ गया। तो मतलब 10 से 14 के बीच, मतलब 14 दिन बताया था, 14 तारीख को मेरे 14 दिन पूरे हो गए, तो ये तो मेरा साक्षात्कार क्लियर हुआ। और खुली आँखों पहले ही पूरे हो गए और खुली आँखों से किया ये तो बाबा, तो फिर ये तो साक्षात्कार ही हुआ ना, तो क्या मुझे चंद्रवंशी में ढकेलेंगे क्या। खुली आँखों क्या, खुली आंखों से साक्षात्कार किया ये जो आज बता रही हूँ 20-10 तारीख को। आप मम्मा को ज्यादा याद करते होंगे, ज्यादा याद करेंगे तो चंद्रवंशी हो जाएंगे। याद आपको करते हो, लक्ष्मी माँ का करते हो। देखो मम्मा जो ब्रह्मा कुमारियों की बीज कौन है, नहीं याद उनको नहीं करते। बीज कौन है बताओ, वो तो जगदम्बाई है, जगदम्बाई ब्रह्मा कुमारियों की बीज है, तो बीज को जो याद करेगा तो कौन से वंश में जाएगा, चंद्रवंशी। नहीं मैं याद तो नहीं करती, याद आपको करती हूँ और उनको तो योगदान देती हूँ कि अब तो समझ जा ब्रह्मा, आवाहन करती हूँ। ब्रह्मा गीता का भगवान नहीं है, शिव शंकर भोलेनाथ ही गीता का भगवान है, ब्रह्मा बाबा समझ जा, तो ब्रह्मा बाबा आत्मा समझे कि जब भी उस मूर्ति का कल्याण होगा, बाकी उस मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा होने वाला नहीं है, और आवाहन तो लक्ष्मी माँ का। चलो बहुत बड़ी बात है, जो ब्रह्मा के मुख से बोल दिया ये ब्रह्मा तुम्हारी जगदम्बा नहीं है, कौन है जगदम्बा, दादा लिख रहा है ना, वो जगदम्बा है ये ब्रह्मा, जगदम्बा नहीं है, जगदम्बा तो प्रत्यक्ष होने वाली है बाद में, ये ब्रह्मा भल चला जावे, ये बाप भल चला जावे तो भी माँ अंत तक पालना करती रहेगी। बाप चला जाए ये तो बात नहीं कि बाबा ने बोला, बाबा चला जाएगा लेकिन अम्मा अंत तक रहेगी, तभी तो मम्मा के शरीर छोड़ने के बाद जब बाबा ने शरीर छोड़ दिया तो ढेर सारी टूट गए मम्मा के शरीर छोड़ने के बाद। मम्मा ने जब शरीर छोड़ा ना तो ढेर सारे ब्राह्मण जो मम्मा के ऊपर ज्यादा विश्वास करते थे, मम्मा को ज्यादा फॉलो करते थे, मम्मा से ज्यादा प्यार करते थे, और अब टूट गए इसी बात पर कि बाबा ने तो बोला था बाबा भल चला जावे लेकिन मम्मा अंत तक पार्ट बजाएगी। बात को समझा नहीं।
कि कौन सी मम्मा कौन सा बाबा, मुरली में तो बाबा ने क्लियर कर दिया, इन ब्रह्मा सरस्वती को मम्मा बाबा नहीं कहेंगे, तो उनकी तो बात ही नहीं थी। यहाँ ये बात लागू होती है क्या, ये बाबा बल चला जावे लेकिन मम्मा अंत तक पालना करेगी, बहुत बड़ी पालना का रूप हो जाएगा, पालना का रूप हो जाएगा, फिर दो बार पालना का रूप हो जाएगा, बड़ा राज करेगा खालसा। देवी को तो घुमाएंगे ना लास्ट में, देवी को तो सच्चाई क्या, सच्चाई का आत्माओं की होती है, दो बार देवी को घुमाया, सच्चाई क्या आत्माओं की होती है कि बाप की होती है, बाप परमात्मा बाप की होती है, तो सच्चाई प्रत्यक्ष होगी कि नहीं, झूठे प्रत्यक्ष होंगे, फिर बाबा सागर मंथन का किस आत्मा ने सागर मंथन किया, किस आत्मा ने, देवताओं असुरों दोनों ने सागर मंथन किया, नहीं बाबा मैं ये पूछ रहा हूँ कि जब राम वाली और कृष्ण वाली आत्मा दोनों एक ही तन में है, मतलब कृष्ण वाली आत्मा भी प्रजा पिता के तन में प्रवेश का हुई और लीला का परमात्मा शिव जो है आत्मा के तन में सागर मंथन का कार्य किसने किया, मीरा निराकार को सोचने की जरूरत है, मंथन करने की जरूरत है, निराकार क्यों मंथन करेगा, सागर मंथन का मेहनत कौन करेगा, जिसको पुरुषार्थ करना हो अपनी आत्मा का कल्याण करना हो मेहनत करे, बाबा को मंथन करने की क्या दरकार, शिव बाबा को, शिव बाबा थोड़ी मंथन करता है, मंथन देवताएं करते हैं असुर करते हैं, दो पार्ट हो गए, तो अमृत निकला सागर मंथन हुआ, अमृत पहले निकलता है कि अमृत बाद में निकलता है, पहले क्या निकलता है, पहले हाला हाल विष निकलता है, सबको हिला देता है, अभी सबको अनिश्चय बुद्धि कौन सी बात बनाती है, इतने ब्रह्मा कुमार कुमारियों ने ज्ञान लिया, इतने एडवांस पार्टी में वालों ने ज्ञान लिया, विष्णु पार्टी वालों ने ज्ञान दिया, उनको एक मुख्य बात है जो ज्यादा हिलाती है, सब हिल जाते हैं, वो पॉइंट कौन सा है जैसे सब सबको अनिश्चय पैदा हो जाता है, फिर शंकर जी ने विष न पिया होता तो अनिश्चय पैदा नहीं होता, एक ही उसका नाम रख दिया आला हाल, सबकी बुद्धि को हिला देता है, निकले सागर है। अपना टाइम देखना, हमें तो कुछ नहीं, अब आपके पास स्टॉक नहीं रहा इसलिए देर देर में पूछ रहे हैं। ओम शांति। जैसे बाबा एक ही बार ही सर इतने क्वेश्चन मेरे को, मुझे वाले कोई क्वेश्चन होते नहीं है, निश्चय बुद्धि है, हाथी कोई कभी क्वेश्चन नहीं होते, 3 साल हो गए ना, इसके स्तन की सीढ़ी नहीं निकली एक भी, तो सब निश्चय बुद्धि है, माता पिता से पालन की हुई है, पुराने निश्चय है, किंतु नई गति नहीं हो रही है, इसका थोड़ा सा